मैं ना अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि जब तुम कोड अगर डीबग करने की कोशिश कर रहे हो तो एज्यूम करो कि किसी गधे ने लिखा है, तुमने नहीं लिखा, क्योंकि तुमने लिखा होता है ना तो तुम एज्यूम करते हो अरे ये तो चल ही रहा होगा, ये पार्ट तो चल ही रहा होगा। तो मैंने बोला तुम सोचो कि किसी एकदम बेवकूफ आदमी ने लिखा है, एक एक चीज देख के करो, एक एक चीज टेस्ट करो, तब निकलेगा। बाकी इनमें कोई बंदा मिल जाए जो कि तुम्हारी तरह मोटिवेटेड नहीं है या तुम्हारी तरह अच्छे से उसको आता नहीं है तो बहुत क्योंकि तुम बोल भी नहीं सकते हो कि तुम बजाए थोड़ा सा तुम्हें उसको प्यार से डिप्लोमेटिक तरीके से हैंडल करना पड़ता है। काश पारिक के सारे इंटरव्यूज मेट्रो में होते तो क्लियर हो जाते सारे के सारे, मेट्रो में दिमाग बहुत सही चलता है पारिक का, मस्त प्लान है। हाय एवरीवन, दिस इज अंकुश एंड यार आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हेन यू बिकम अ प्रोग्रामर और इवन व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग टू बी अ सॉफ्टवेयर डेवलपर हमें क्या फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, इस सेंस में कि हम कुछ काम करते हैं उसको रिकॉग्निशन नहीं मिलता या कुछ भी और कोई भी फ्रस्ट्रेशन जो हमें हो सकती है एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। आई थिंक बहुत जरूरी है ये समझना, बिकॉज इफ यू नो दिस वेल तो यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ कि तुम उस सिचुएशन को ढंग से हैंडल कर पाओ, राइट? एंड दिस इज गोइंग टू बी अ मिक्स ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट वी हैव हैड इन इंडस्ट्री, मैं और पारिक मिलकर कर रहे होंगे तो जो भी इंडस्ट्री में हमारा एक्सपीरियंस है या फिर जब हम तैयारी कर रहे थे उस टाइम पे क्या एक्सपीरियंसेस है, उसके दोनों के कॉम्बाइन आई थिंक हम ये पॉइंट्स लाने की कोशिश करेंगे। सो वील टॉक अबाउट 7 सच पॉइंट्स, मुझे लगता है ओवरऑल काफी मजा भी आएगा ये डिस्कस करने में, सो मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ इसको लेके। सो स्टार्ट करते हैं। हाय पारिक, वेलकम टू द वीडियो। हाय, थैंक यू। सही है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। आई थिंक अगर तुम किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपर को पूछोगे तो सबसे पहला पॉइंट जो कोई भी बोलेगा वो बोलेगा कि अरे यार ये ऑन कॉल क्यों आती है, राइट? स्पेशली आई थिंक अमेजोन में ऑन कॉल काफी बदनाम है, बट ऐसा नहीं है कि बाकी जगह पे नहीं होती। ऑन कॉल का मतलब क्या होता है? ऑन कॉल का मतलब ये होता है कि जनरली सब जगह पे फॉर अ वीक अगर तुम्हारी टीम में कुछ भी फटा, तुम्हारी टीम के कोड में कुछ भी फटा, मान लो न्यूज फीड डाउन हो गई, राइट? मैं फेसबुक जब काम कर रहा था तो मैं फिर न्यूज फीड टीम में था तो मैं जब ऑन कॉल होता था तो उसका मतलब ये होता था कि न्यूज फीड डाउन हो गया, मतलब दैट्स लाइक अ क्राइसिस, राइट? लाइक अभी की अभी सॉल्व करो, कुछ भी हो जाए, जो भी करना पड़े बस अभी की अभी सॉल्व करो। सो ये इस मोड में हम चले जाते थे सबके साथ। सो दैट इज बेसिकली व्हाट एन ऑन कॉल इज। बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस होता है। अमेजोन में मुझे याद है मेरा एक बहुत सही प्रोजेक्ट चल रहा था, मैं रात को 2-3 बजे तक काम कर रहा था, मैं रात को 2-2.5 बजे घर आया हूँ, मेरे पास बाइक होती थी और हैदराबाद में था मैं, मतलब लाइक रात को बढ़िया एकदम बाइक चला के बढ़िया मौसम में मैं घर आया, आके सोया हूँ और 4 बजे एक मैसेज आया, है ना? बस एक मैसेज आएगा, उस मैसेज में अगर तुमने 15 मिनट में रिस्पॉन्ड नहीं किया तो तुम्हारे मैसेज मैनेजर को मैसेज जाएगा, उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो उसके 15 मिनट में उसके मैनेजर को जाएगा, और ये करते 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 कब 7-8 बारी में टॉप पे पहुंच जाएगा पता भी नहीं चलेगा। सो एंड यू नीड टू गेट अप फ्रॉम दैट सिंगल मैसेज। मतलब मेरी ट्यून जो उस टाइम पे होती थी ना, इतना खतरनाक हॉरर गाना होता था वो कि मतलब बंदा उठ ही जाएगा, मतलब लाइक एक मैसेज पे ऐसे बजता था वो गाना, तो बहुत ही क्रेजी होती है ऑन कॉल। और बेसिकली उसका आई थिंक वन ऑफ द वर्स्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं ये एज अ डेवलपर जो तुम्हें फेस करना पड़ता है। डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे कि हमें उसमें अच्छा करना है या हम इंटरव्यूज दे रहे होते हैं, राइट? कि लाइक शिफ्टिंग कर रहे हैं कंपनीज में या बेसिकली एज अ फ्रेशर भी जा रहे हैं, तो कई बार तुम्हारे साथ हुआ और ये मेरे साथ भी हुआ कि ड्यूरिंग द कॉन्टेस्ट तुम कोई क्वेश्चन सोल्व करो और वो कॉन्टेस्ट के टाइम पे नहीं होगा और जैसे ही तुम एंड करोगे कॉन्टेस्ट तुम्हारे दिमाग में सॉल्यूशन आ जाएगा, यार ये करना था बट ऑप्शन नहीं है अब कि यार उसको जाके कर सकते हैं बिकॉज़ कॉन्टेस्ट का टाइम एंड हो चुका है। और ये इंटरव्यू में भी होगा, इंटरव्यू के टाइम अगर तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे प्रॉब्लम, तुम जाओगे और आफ्टर द इंटरव्यू एंड्स तुम थोड़ा सा सोचोगे यार क्या था, क्या करना था, और तुम्हारे दिमाग में सॉल्यूशन आ जाएगा एंड यू विल फील सो बैड कि यार काश उस टाइम सोच लिया होता। और ये मेरे साथ हुआ, राइट? सी इवेंट का जो इंटरव्यू था जो मैंने रिजेक्शन फेस करा था, तो ड्यूरिंग द इंटरव्यू नहीं हुई सॉल्व प्रॉब्लम, मैं जाते हुए बस मेट्रो में सोचा और मेरे दिमाग में सोल्यूशन आ गया, तो वो बहुत एक फ्रस्ट्रेटिंग होता है। एंड आई थिंक यू नीड टू बी रेडी। काश पारिक के सारे इंटरव्यूज मेट्रो में होते काश पारिक के सारे इंटरव्यूज मेट्रो में होते तो क्लियर हो जाते सारे के सारे, मेट्रो में दिमाग बहुत सही चलता है पारिक का, मस्त प्लान है। सही है, सही है, सही है, बस यही था। कुछ चीजें बस, मतलब कुछ चीजें आफ्टर द टेस्ट या आफ्टर द इंटरव्यू तुम्हारे दिमाग में आ जाएंगी, तो ऐसा नहीं है तुम्हें नहीं आता, बस ठीक है यार उस टाइम नहीं आया दिमाग में, ठीक है? श्योर, श्योर, सही है, चलो ठीक है, लेट मी मूव टू द थर्ड पॉइंट क्विकली। एंड
सो आई थिंक ये ना हमारे साथ फॉर एग्जाम्पल सीखते हुए बहुत बार होता है, राइट? लाइक कि हमने कुछ कोड किया और हम फंस गए, है ना, बग आ गया एक, और अब सॉल्व ही नहीं हो रहा, लगे हुए हैं, हो ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं आ रहा क्या इशू हुआ। अब ये एक छोटा वर्जन है, राइट? लाइक तुम एक डेटा एक्सेस की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और तुम्हें एक बग आ गया और तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे। इसकी एक बड़ा वर्जन क्या है, तुम एक लार्ज कोड बेस के अंदर कुछ काम कर रहे हो और कहीं पे बग आ गया और तुम्हें नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल पर्सनली मेरे को 15-20 दिन लग गए थे एक बग स्पेसिफिकली जो मैं फेसबुक न्यूज फीड में अगेन में काम कर रहा था। लाइक देर वॉज वन बग विच आई वॉज नॉट एबल टू सॉल्व एट ऑल। मैं एक नए फीचर पे काम कर रहा था और उसके अंदर एक बग आ रहा था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, एंड इट वॉज बेसिकली ड्यू टू मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, उससे पहले बहुत ज्यादा मल्टी थ्रेडिंग वाला कोड किया नहीं था, और मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है दैट लाइक यू नीड टू बी केयरफुल, राइट? लाइक कि एक थ्रेड उठाओ, उसने कुछ चेंजेस किए, दूसरे थ्रेड ने कुछ चेंजेस किया है, नाउ लाइक स्पेशली जो लाइक अगर कुछ कॉमन चीजें जो कि चेंज हो रही है तो वहां पर फटने के बहुत चांसेस होते हैं और तुम्हें बहुत ध्यान से करना होता है। एंड मैं बता रहा हूँ यार, 15-20 दिन तक सिर्फ एक बग सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइक मुझे अंदर से ऐसी फील आ रही थी कि क्या हो रहा है, ये मुझसे हो ही नहीं पा रहा है। एंड मतलब ऐसा होता था लिटरली कि रात को सोते हुए भी दिमाग में वही चल रहा है। कई बार 2-3 बार ऐसा हुआ कि अरे ऐसा लगा कि अरे शायद ये होगा, रात को उठ के मतलब बिजली तुम दोबारा कोड करने लग जाओगे कि अरे यार शायद अब सॉल्व हो जाए, और फिर पता लगता है नहीं हुआ सॉल्व, फिर नींद नहीं आती। तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है, बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। एंड इसमें एक चीज मैंने रियलाइज की थी, कई बार बग उतना बड़ा नहीं होता है बट तुम स्टक हो जाते हो एक चीज पे, तुम नहीं कर पा रहे, सो हेल्प ले लेनी चाहिए। ऑनेस्टली इसमें भी इवेंचुअली मुझसे यही हुआ, मैंने किसी को बोला यार प्लीज मेरे साथ बैठ, आधा घंटा एक घंटा लगा, और एक घंटे में हम दोनों ने मिलकर उसको सॉल्व कर दिया। राइट? एंड इट वॉज जस्ट अ हेजिटेशन ऑन माई साइड कि यार कैसे पूछूं किसी को, कैसे बोलूं किसी को कि यार मेरे को बग सॉल्व करने में हेल्प कर दे, राइट? बट आई थिंक दैट समथिंग दैट यू नीड टू डू। कई बार फंस जाते हैं, कई बार फंस अटक जाते हैं और हमें बेसिकली बस आगे निकलने के लिए कुछ ही होता है। अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि जब तुम कोड एक बार अगर डीबग करने की कोशिश कर रहे हो तो एज्यूम करो कि किसी गधे ने लिखा है, तुमने नहीं लिखा, क्योंकि तुमने लिखा होता है ना तो तुम एज्यूम करते हो अरे ये तो चल ही रहा होगा, ये पार्ट तो चल ही रहा होगा। तो मैंने बोला तुम सोचो कि किसी एकदम बेवकूफ आदमी ने लिखा है, एक एक चीज देख के करो, एक एक चीज टेस्ट करो, तब निकलेगा बग। सही है, सही है। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। या ठीक है, आई थिंक ये थोड़ा सा वर्स्ट एक्सपीरियंस होता है और ये बहुत ज्यादा मतलब दिल पे लगता है। तो क्या होता है, लाइक मैंने सेकंड ईयर में एक ऐप बनाई थी, है ना, सो आई हैव डिप्लॉयड ऑन प्ले स्टोर एज वेल। तो यार वो होता है दिखाओ लोगों को, अब लोगों को दिखाओ कि वो ऐप को टेस्ट करते हैं तो क्रैश होने लग जाती है कुछ ना कुछ, और लोग बस ये देखते हैं तुम्हारे ऐप में कमियां कि यार ये चलाया मैंने कुछ बनाया लेकिन वो तो फट गया। अब वो जो फीलिंग होती है, और इससे बुरा फीलिंग होती है कि तुम कहीं प्रेजेंट कर रहे हो ऐप, मतलब मैंने कॉलेज के टाइम एक हैकाथॉन थी, वहाँ प्रेजेंट करी अपनी ऐप, सामने 50 लोग बैठे हैं और मैं जब दिखा रहा हूँ उसी टाइम ऐप क्रैश हो गई, जो वो फीलिंग होती है, एंड दिस यू हैव टू फेस। तुम बनाओगे तो कुछ ना कुछ कभी ना कभी क्रैश होगी, और मेरे साथ हमेशा होता था, मैं जब भी किसी दूसरे को दिखा रहा हूँ क्रैश हो जाती है, और दूसरे लोग मेहनत नहीं देखते कि भाई बंदे ने मेहनत करके ऐप बनाई, नहीं यार ये तो ऐप ना नहीं चल रही, दैट इज द आउटकम द ओनली थिंग, और वो बहुत वर्स्ट फीलिंग होती है बिकॉज उनके लिए वही है ऐप चल रही है नहीं चल रही, कौन देख रहा है कि तुमने क्या बनाया है, राइट? जब तुम एक चीज जो चेंज होगी, जब तुम या तो प्रोजेक्ट्स में काम करना शुरू करोगे या फिर तुम जॉब करना शुरू करोगे, कि तुम्हारी सक्सेस सिर्फ तुम्हारे पे रिलाय नहीं करेगी, तुम्हारे आसपास की टीम पे भी रिलाई करेगी। सो कई बार लाइक फॉर एग्जांपल, ऑब्वियसली मैं बता नहीं रहा किस टीम में क्या और क्या नहीं, इवन कौन सी कंपनी में, बट लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ भी हुआ है एक आधी बार कि यार मैंने अपना सारा काम कर लिया है बट टीम में कोई बंदा है जो कि स्लो है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि वो बंदा स्लो है, ऑनेस्टली एक प्रोजेक्ट में तुम दो लोग हो और तुम्हारा प्रोजेक्ट टाइम पे नहीं जा रहा, तो ये पता है बस दुनिया को कि तुम्हारा प्रोजेक्ट टाइम पे नहीं जा रहा, ये नहीं पता है कि तुम स्लो हो या वो स्लो है, राइट? देन इट्स बेसिकली अबाउट द आउटपुट, इट्स नॉट अबाउट कि तू तो एफर्ट मार रहा है सामने वाला नहीं मार रहा। सो आई थिंक ये जो डिपेंडेंसी ऑन टीम होती है ना,
ये हम लोगों को आदत नहीं होती है, बिकॉज हम जब सीख रहे होते हैं तो हम बेसिकली खुद से कर रहे होते हैं, बढ़िया बढ़िया तरीके सीखते रहते हैं, है ना। और कभी कभी प्रोजेक्ट्स में देखने को मिलता है कि कोई बंदा काम नहीं कर रहा, बट वो छोटे लेवल पे होता है, कंपेरेटिवली इतना फर्क नहीं पड़ रहा होता। बट जैसे ही हम कंपनी के अंदर जाते हैं बहुत पेनफुल होता है कि यार मैं कर रहा हूँ इतनी मेहनत, बट मेरे को वो रिटर्न नहीं मिल रहा जस्ट बिकॉज मेरे साथ वाला नहीं कर पा रहा। इट गेट सॉल्व बिकॉज ऑब्वियसली कंपनी में प्रोसेस होते हैं कि कोई बंदा अच्छे से काम नहीं कर रहा तो उसके अराउंड उसको बोला जाएगा, उसको फीडबैक दिया जाएगा एंड इवेंचुअली ठीक हो जाती है चीज़ें। बट आई थिंक ओवरऑल अगर टीम में कोई बंदा मिल जाए जो कि तुम्हारी तरह मोटिवेटेड नहीं है या तुम्हारी तरह अच्छे से उसको आता नहीं है तो बहुत पेनफुल होता है। दैट समथिंग दैट आई थिंक काफ़ी पेनफुल होता है, थोड़ा ढंग से हैंडल करना जरूरी था, क्योंकि तुम बोल भी नहीं सकते हो कि तू गलत है ना, थोड़ा सा तुम्हें उसको प्यार से डिप्लोमेटिक तरीके से हैंडल करना पड़ता है। मैनेजर को जाके बोलोगे कि अरे यार ये तो काम नहीं करता है, तुम ये भी नहीं कर सकते, तो ओवरऑल थोड़ा सा ट्रिकी होता है वो सिचुएशन में हैंडल। सही है ठीक है ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आई थिंक दिस इज अगेन वन ऑफ माय वर्स्ट एक्सपीरियंस। तो ये होता है जनरली, तो लाइक मैंने ना थर्ड ईयर में स्टार्टअप करा था, पूरी एक साल एक वेबसाइट बनाई पूरा अच्छे से, उसको कॉन्टिन्यूसली मेंटेन भी करा कि यूज़र से फीडबैक लिए, यार यूज़र ये चाह रहा है तो उसको कॉन्टिन्यूसली वेबसाइट को मेंटेन करा। अब वो मैंने वही मेजर प्रोजेक्ट भी अपने थर्ड ईयर में कॉलेज में दिखा दिया था प्रोफेसर को। अब प्रोफेसर को दिखाया, उसने देखते ही बोला ये तुम्हारा एक साल का काम है, तो एक महीने की वेबसाइट है कोई भी बना दे। अबे यार अब मैं उसको कैसे समझाऊं कि यार इसमें कितनी मेहनत गई है, कॉन्टिन्यूसली मेंटेन करने में कितनी मेहनत गई है, वो नहीं देखते बिकॉज उनके दिमाग में है यार वेबसाइट ही तो बनाई है और तुम क्या कर रहे हो, तुम बुक्स बेच रहे हो, तुम बेसिकली ऑर्डर ले रहे हो, ये तो बेसिकली एक महीने का काम है। अब उसमें उनको समझाना कि भाई ये फीचर ऐड करने में टाइम लगता है, और ऊपर से बोल रहे हैं कि एक महीने एक बंदे का काम है, यार हमने बेसिकली तीन बंदों ने मिलकर करा था। मतलब एज अ प्रोग्रामर यू कैन नॉट, मतलब कभी भी गिनवा नहीं पाओगे कि कितना काम करा है तुमने, बिकॉज दूसरे वाले को नहीं समझ में आने वाला। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द वर्स्ट फीलिंग कि यार तुम अपना काम ढंग से मतलब उतना बता नहीं पाते अगर सामने वाला नहीं समझ पा रहा। राइट सो जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है ना वो एक्चुअली थोड़ा सा रिलेटेड है फ्रॉम व्हाट यू जस्ट सेड, एंड आई थिंक कोई भी बंदा जिसने हैकाथॉन्स में पार्ट लिया है ना वो तो बिल्कुल ऐसे रेजोनेट करेगा उसके साथ तो ये चीज़ कि हाँ यार बिल्कुल ऐसे ही होता है। कि कई बार क्या होता है ना कि अगर मान लो मैं कुछ काम कर रहा हूँ और उसके अंदर बहुत ही फाड़ू सा अमेजिंग सा कुछ UI है, राइट, लाइक जिसके अंदर बहुत सारा कुछ हो रहा है, तो लोगों को लगता है अरे कितना सारा काम किया है। वेर एज मैंने बहुत सारे लोगों को सुनते के बोलते हुए सुना, अरे एक बटन ही तो ऐड करना है, मतलब एक बटन ही तो है, क्या कितना ही काम कर रहा हूँ उसके लिए। अबे उस बटन को दबाने पे जो पीछे सब कुछ होगा वो कौन करेगा, वो भी तो हमें ही करना है। वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना कि लोगों को समझ में ही नहीं आता कि बैकएंड पे जो काम हो रहा है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। लोगों को सिर्फ ये समझ में आता है एक बटन, अरे बटन क्लिक होने पे पीछे एक फंक्शन पे कॉल होगी, उसको पता नहीं डेटाबेस में क्या क्या मचानी पड़ेगी, क्या क्या करना पड़ेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सो बेसिकली स्पेशली हैकाथॉन्स में तो मैंने देखा है भाई पक्का मेक श्योर कि यार तुम्हारा UI बहुत अच्छा हो, पीछे तुम चाहे इफेल्स लगा के कुछ भी जुगाड़ मार रहे हो, चाहे तुमने कुछ काम नहीं कर रखा हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता है हैकाथॉन्स पे तो स्पेसिफिकली। सब बेसिकली सिर्फ यही देख रहे होते हैं कि UI बढ़िया है, अरे बहुत बढ़िया, चलो इसको दे देते हैं, हम जी जाएगा ये, है ना। सो लाइक दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एज वेल। सो वन थिंग दैट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस इज कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुमने बहुत अच्छे से काम किया, बट बीइंग एबल टू प्रेजेंट दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, है ना। और वो UI वाला पार्ट बेसिकली तुम्हें बहुत हेल्प करता है बीइंग एबल टू प्रेजेंट। सो ये ओवरऑल मतलब बहुत बार देखा है मैंने, जॉब करते हुए भी देखा है कि यार तुम किसी बिजनेस वाले बंदे को प्रेजेंट कर रहे हो, पहली बात तो ऐसा कुछ बोल देगा कि बटन ही तो है, और दूसरी बात बेसिकली तुम बोलोगे मैंने ये कर दिया, ऐसे ऐसे ऑप्टिमाइज कर दिया, और वो बोलेगा अरे क्या हो यार यूजर को तो अभी यही देखते ही दिख रहा है। तो भाई बहुत फर्क पड़ गया है इसकी वजह से। सही है। So I think that's like the last point that I wanted to discuss. And Parik, you want to add something overall? नहीं नहीं मस्त है। बस यार ये होंगे अपनी लाइफ में, तुम प्रोग्रामर बनोगे तो ये सारे एक्सपीरियंसेस फेस करोगे। बस रेडी रहना और स्ट्रांग रहना। Right. नहीं एंड आई थिंक लाइक अगर तुम्हें पहले से पता है ना तो तुम्हें पता होगा कि कैसे हैंडल करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी बग आ रहा है और तुम्हें लग रहा है कि तुम फंस गए हो तो भाई प्लीज हेल्प ले लो ना, इतना क्या प्रॉब्लम है, मतलब हेल्प लेने में कोई इशू नहीं है, राइट। एंड जब पता है कि ऑन कॉल आएगी मतलब लाइक और उसको ढंग से हैंडल करना है, तो मैं पहले बता रहा हूँ एक ट्रिक टू हैंडल ऑन कॉल। पहली बात तो प्लीज एक बहुत ही खतरनाक सा कोई गाना लगा लो, कोई सॉन्ग लगा लो अपनी रिंगटोन फॉर दैट मैसेज,
एक रॉक ऑन मूवी का कोई गाना था, मतलब एकदम सापो वापो वाला गाना था कोई, मतलब बहुत ही खतरनाक, और बेसिकली वो मेरी रिंगटोन होती थी उस हफ्ते के लिए, और मैं बता रहा हूँ इतनी खतरनाक होती थी ना वो, तुम सो ही नहीं सकते हो, तुम उठ ही जाओगे जैसे ही वो बजेगा। सही है, सही है। ओके, आई होप कुछ हेल्पफुल था ये, एंड अगर पसंद आई वीडियो तो प्लीज़ यार शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, एंड लाइक तो कर ही दो, एंड ओवरऑल बहुत सारा अलग अलग टाइप का कॉन्टेंट आता रहता है चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। कोई और एग्जाम्पल्स है तुम्हारे पास एज योर वर्स्ट एक्सपीरियंस एज सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो प्लीज़ कॉमेंट्स में डालो, एंड आई थिंक इट विल बी फन टू लर्न अबाउट मोर एक्सपीरियंसेज एज वेल। थैंक यू, थैंक यू पारी, थैंक यू।